वेलकम टू टीआरपी स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। तो स्टूडेंट, हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका था। अब बात करते हैं अपने चैप्टर नंबर टू, नंबर्स, या जो बुक में नेम है प्लेइंग विद नंबर्स। सबसे पहले अपन बेसिक्स से जानते हैं कि ये जो नंबर्स होते क्या है, कैसे इनको डिफाइन किया जा सकता है, कैसे इनको क्लासीफाइड किया जा सकता है। तो नंबर्स का एक क्लासीफिकेशन अपने फर्स्ट चैप्टर में देख लिया था कि भी नंबर्स को बेसिकली अपने को तीन टाइप का याद करना है। तो होते कौन से? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब जिसको आप क्या कहते हो, प्राकृतिक संख्या, जिसको आप कैपिटल एन से डिनोट कर सकते हो, ठीक है। और इसके अंदर कौन से नंबर्स आते हैं, 1, 2, 3, 4 और आगे जहां तक आप काउंट कर सकते हो। और इसको लिखा जाता है इंफिनिटी। ये क्या चीज होती है? इंफिनिटी। इंफिनिटी मतलब जिसका कोई एंड नहीं होता, जिसका कोई क्या नहीं होता, एंड नहीं होता। तो आप वन से लेके आगे जहां तक आप काउंटिंग कर सकते हो, वो सारे के सारे क्या होते हैं, नेचुरल नंबर। और इनको कैपिटल एन से डिनोट आप कर सकते हो। दूसरा ग्रुप अपन ने पढ़ा था कौन सा, होल नंबर। होल नंबर मतलब जिसको आप क्या कह रहे थे, पूर्ण संख्याएं। होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या को किससे डिनोट कर रहे थे, कैपिटल डब्ल्यू से। अब नेचुरल और होल में फर्क क्या था, नेचुरल वन से स्टार्ट हो रही है और होल कहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, जीरो से। तो जीरो से लेके इंफिनिटी तक जहां तक आप काउंट कर सकते हो, सारे क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं। होल नंबर के बाद एक तीसरा ग्रुप आता है इंटीजर्स। क्या आता है? इंटीजर्स। इंटीजर्स मतलब जिसको क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या। कौन सी संख्या है? पूर्णांक संख्या। अब ये पूर्णांक संख्या इनको डिनोट किया जाता है आई या फिर कैपिटल जेड से। ये जो डिनोशन है ना, जिनसे डिनोट किया जाता है, वो हमेशा कैपिटल लिखने, कभी भी स्मॉल लेटर्स नहीं है। अब इंटीजर्स के अंदर क्या आती है, इंटीजर्स के अंदर जो भी नंबर है जीरो के बाद आता है, जीरो के बाद यदि कौन से नंबर आएंगे, पॉजिटिव नंबर, ये पॉजिटिव होते हैं। और जीरो से पहले माइनस का वन, माइनस का टू, यानी नेगेटिव नंबर। जितने भी नेगेटिव नंबर है, जितने भी पॉजिटिव नंबर है और जीरो, इन तीनों को किसमें रखा गया है, इंटीजर्स में रखा गया है। तीन बेसिक से अपन ने क्या देख लिया, क्लासिफिकेशन देख लिया। अब इन क्लासिफिकेशन के अंदर चाहे कौन सा ले लो, उसके अंदर कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कुछ स्पेसिफिक रूल होते हैं, कुछ स्पेशल नंबर्स होते हैं। इन नंबर्स के अंदर भी कुछ स्पेशल नंबर होते हैं, उनके बारे में अपन क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला डिस्कशन अपन स्टार्ट करेंगे जो अपन फिफ्थ में पढ़ के आए थे, फैक्टर एंड मल्टीपल्स, या फैक्टर एंड मल्टीपल। फिफ्थ क्लास में पढ़े थे हमने। सबसे पहले अपन बात करते हैं फैक्टर। फैक्टर जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है, गुणनफल। फैक्टर या फिर गुणनफल। अब फैक्टर या गुणनफल क्या होता है, ए नंबर विच डिवाइड गिवन नंबर कंप्लीटली एंड रिमाइंडर इज ऑलवेज जीरो। एक ऐसी संख्या, मान लो मैं आपको एक गिवन नंबर दे रहा हूँ 12। अब इसके फैक्टर करने से क्या मतलब होगा, कोई भी एक ऐसा नंबर जो आपने इस गिवन नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करते हो, रिमाइंडर कितना बचे, जीरो बचे, वो नंबर इस 12 का क्या कहलाएगा, फैक्टर। जैसे मैं 2 कहता हूँ कि 2 इस 12 का क्या है, एक फैक्टर है। क्या 2 का कंप्लीट डिवाइड जा रहा है, 6 टाइम जा रहा है, रिमाइंडर कितना बच रहा है, जीरो बच रहा है। मतलब 2 12 का क्या हो गया, एक फैक्टर हो गया, ठीक है। अब ये जो फैक्टर्स होते हैं, इसके भी कुछ रूल होते हैं जो अपन ने पढ़े थे। जैसे 1 हर एक नंबर का फैक्टर होता है, 1 हमेशा क्या होता है, किसी भी नंबर का एक फैक्टर अगर आपको पूछे तो बिना सोचे समझे क्या बता सकते हो, 1। दूसरा नंबर इटसेल्फ, वो जो नंबर है वो खुद का भी क्या होता है, फैक्टर। 12 है तो 12 का एक फैक्टर खुद क्या हो जाएगा, 12। 12 का 12 पे भी डिवाइड कंप्लीटली जाता है, रिमाइंडर कितना बचता है, जीरो बचता है, ठीक है। उसके बाद देखो आपके जो भी फैक्टर है, आप मान लो 12 के फैक्टर की बात कर रहे थे, तो किसी भी नंबर के फैक्टर हमेशा उस नंबर से क्या होते हैं, छोटे होते हैं। उस नंबर से क्या होते हैं, छोटे। कोई भी फैक्टर 12 से बड़ा नहीं हो सकता। अगर आप 12 के फैक्टर निकाल रहे हो, जितने भी फैक्टर निकाल ले रहे, जितने होते हो, लेकिन 12 से बड़ा कोई भी फैक्टर आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये हो गए फैक्टर। उसके बाद दूसरी चीज आई है मल्टीपल्स। मल्टीपल्स यानी जिसको क्या कहा जाता है, गुणज कहा जाता है। मल्टीपल्स या गुणज का क्या मतलब होगा, एक ऐसा नंबर जो आपके
गिवन नंबर से कंप्लीटली डिवाइड होता है। आपके गिवन नंबर को डिवाइड करे तो फैक्टर, और गिवन नंबर से कंप्लीटली डिवाइड होता है तो वो क्या हो गया, मल्टीपल। जैसे मैं कहूँ 12 का मल्टीपल बताओ, तो अब इसका मतलब क्या हो गया, 12 का कंप्लीट डिवाइड जिस जिस नंबर में जाता है वो इसका मल्टीपल होगा। तो 12 का डिवाइड किस पे जाता है, पूरे 12 पे जाता है, 24, 36, 48, 60, 72। आगे आप जितना कंटिन्यू कर सकते हो वहां तक कर सकते हो, ठीक है। अब देखो जो मल्टीपल्स होते हैं, अब इससे मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 12 मल्टीप्लाइड बाई 1, 24 को 12 मल्टीप्लाइड बाई 2, 36 को 12 मल्टीप्लाइड बाई 3, 48 को 12 मल्टीप्लाइड बाई 4, 60 को 12 मल्टीप्लाइड बाई 5, 72 को 12 मल्टीप्लाइड बाई 6। तो कहने का मतलब जब किसी के भी मल्टीपल्स निकालने होते हैं उनको कंसेक्यूटिव आप अपने नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करते जाओ, आपके क्या आ जाएंगे, मल्टीपल्स आ जाएंगे। जितने मल्टीपल आपको निकालना है, अगर 12 के कितने मल्टीपल निकालो, आप बस 3 मल्टीपल निकाल के दिखा सकते हो, 1, 2 और 3। अब देखो इसमें हमने बात की थी 1 हर किसी का फैक्टर होता है, 1 हर किसी का क्या होता है, फैक्टर होता है। अब इसमें क्या होगा कि हर एक नंबर 1 का क्या होता है, मल्टीपल होता है। इसमें 1 फैक्टर था और इसमें 1 के क्या हो जाएंगे, मल्टीपल हो जाएंगे। उसके बाद नंबर इटसेल्फ, वो नंबर खुद उस खुद का क्या होता है, एक मल्टीपल होता है। वो क्या होता है, मल्टीपल होता है। किसी भी गिवन नंबर के फैक्टर हमेशा फिक्स होते हैं, निश्चित होते हैं, 2, 4, 6, 8 जितने भी हो सकते हैं वो फिक्स होते हैं, लेकिन मल्टीपल क्या होते हैं, अनफिक्स। जहाँ तक आप काउंटिंग कर सकते हो वहाँ तक आप क्या निकाल सकते हो, उसके मल्टीपल निकाल सकते हो, ठीक है स्टूडेंट। तो ये थी बेसिक सी बात, किसी फैक्टर और मल्टीपल। अब देखो अब आपके नंबर्स को और ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं, और ग्रुप में डिवाइड करने से मतलब कुछ बेसिक सी डेफिनेशन, कुछ बेसिक सी प्रॉपर्टीज। अब देखो सबसे पहला इवन नंबर, इवन यानी जिसको आप क्या कहते हो, सम संख्या। अब इवन नंबर कौन से होंगे, नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2, नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2। जिन भी नंबर पे 2 का डिवाइड जाएगा वो सारी क्या होती हैं, इवन नंबर होती है। फॉर एग्जांपल 2 का 2 पे जाता है 6 8 10, जहां तक आप कर सकते हो, एक जीरो रह गया, जीरो पे भी जीरो टाइम जाता है। दूसरा क्लासिफिकेशन अपना आएगा कौन सा, ओड नंबर, जिसको आप क्या कहते हो, विषम संख्या। ये तो इवन ओड का अपन छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं। और विषम संख्या क्या होगी, जिनके ऊपर 2 का डिवाइड नहीं जाता या फिर इवन नंबर को छोड़ के जो बच गए वो सारे क्या होते हैं, ओड नंबर होते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये सारे क्या हो गए, आपके ओड नंबर हो गए। इवन ओड का सिंपल सा क्लासिफिकेशन था, 2 का डिवाइड गया इवन नहीं गया तो ओड। उसके बाद देखो तीसरा होता है प्राइम नंबर। अब गौर से देखना चीजों को, प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या मतलब क्या होगा, अब देखो इसमें हिंदी वर्ड में ढूंढने पड़े, भाज्य मतलब जिसके ऊपर भाग जाता है, ए मतलब है नहीं, तो मतलब अभाज्य संख्या क्या मतलब हो गया, ऐसे नंबर जो या तो 1 से या इटसेल्फ खुद से, तो या तो 1 से या फिर इटसेल्फ में खुद से, इन्हीं 2 से डिवाइड हो सकते हैं, बाकी किसी से नहीं होते। जैसे मैं लिखूं 5, तो 5 के ऊपर सिर्फ 2 ही चीजों का डिवाइड जाता है, या तो खुद 5 का या फिर 1 का। ये 1 और 5 आपके क्या हो गए, प्राइम नंबर। इससे 5 के क्या हो गए, फैक्टर हो गए। और अब ऐसे नंबर जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, 1 और 5, वो क्या होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं। वो क्या होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं। जैसे अब एग्जांपल देखते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। अब देखो इसमें अब मैंने क्या नहीं लिखा, 1 नहीं लिखा, उसके बाद मैंने 4 नहीं लिखा, 6 नहीं लिखा, 9 नहीं लिखा, 12। अब देखो 4 के ऊपर 2 का भी जाता है, 4 का भी जाता है, 1 का, एक अलग नंबर आ गया है। 6 के ऊपर 2 का जाएगा, 3 का जाएगा, 6 का जाएगा, 1 का जाएगा। 9 के ऊपर 1 का, 3 का, खुद 9 का। 12 के ऊपर 2 का, 4 का, 3 का और 6 का।
इन सब के ऊपर बहुत सारी संख्याओं का डिवाइड कर रहा है, ये प्राइम नंबर नहीं है और ये सारे क्या हो गए, प्राइम नंबर है। तो अब देखो जो आपका वन है, वन एक यूनिक नंबर है जिसको आप प्राइम नंबर में काउंट नहीं कर सकते, इसकी कैटेगरी किसी के अंदर नहीं की जाएगी। वन ना तो प्राइम होगा और ना ही आप ये जो कैटेगरीज है उनमें रखा जाए, आप सिर्फ इसको इवन ग्रुप ऑर्डर में क्लासिफाई कर सकते हो क्योंकि ये इवन नहीं है, ऑर्डर है। उसके बाद आपका जो टू है, वन को आप काउंट कर नहीं सकते, तो टू आपका क्या हो गया, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। टू क्या हो गया आपका, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है, टू होता है, ठीक है। उसके बाद प्राइम नंबर हो गए, अब प्राइम नंबर से जुड़ी सी बात चौथा होता है कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। अब प्राइम नंबर का जस्ट उल्टा कर दो, प्राइम नंबर भी क्या था, खुद से और वन से डिवाइड कर रहा था, कंपोजिट इसका उल्टा, जिसमें खुद के और वन के अलावा की और नंबर का डिवाइड जाता है वो क्या हो गया, कंपोजिट नंबर, विच इज डिविजिबल बाय आइदर देन वन एंड इटसेल्फ, खुद और वन के अलावा वो किसी और से अगर डिविजिबल है वो क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। अब ये जो मैंने नहीं लिखे थे वो सारे क्या है, कंपोजिट नंबर, जैसे 4, 6, 9, 12, 15, 16, ये सारे क्या हो गए, कंपोजिट नंबर, क्योंकि इनपे खुद के और वन के अलावा भी और नंबर्स का क्या जा रहा है, डिवाइड जा रहा है। अब जैसे टू स्मॉलेस्ट क्या था, प्राइम नंबर, वैसे ही फोर क्या हो गया, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, फोर क्या हो गया, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। अब अपन एक प्राइम नंबर की कैटेगरी पढ़ी, इस कैटेगरी के अंदर सिर्फ टू ही एक ऐसा नंबर है जो इवन है, यानी टू इज द ओनली एंड ओनली वन इवन प्राइम नंबर, सम है बाकी संख्या सिर्फ एक ही होती है, क्या टू होती है उसके अलावा नहीं होती। फिर आपके जो कंपोजिट नंबर है उनको आप याद रखना, अपने प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हो, प्रोडक्ट यानी गुणा मल्टीप्लिकेशन, उनको आप प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हो। जैसे 4 है जिसको मैं 2 into 2 लिख सकता हूँ, 2 into 2 प्राइम नंबर हो गए, 6 को 2 into 3 दोनों प्राइम नंबर है, 9 को 3 into 3। अब 12 को कैसे लिख सकते हो, 12 को लिखने का तरीका 2 into 2 into 3, हर एक कंपोजिट नंबर को आप प्राइम नंबर के फॉर्म में लिख सकते हो। हो गई इतनी बातें, उसके बाद देखो आगे इवन ऑर्डर पढ़ते पढ़ दिए, कंपोजिट पढ़ दिए, अब देखो पांचवा है इवन ऑड प्राइम और को प्राइम, सॉरी कंपोजिट, ये चार अपन ने पढ़ लिए। अब देखो अब आता है अगला पांचवा टाइप कौन सा, को प्राइम, को प्राइम मतलब सहभाज्य संख्याएं। अब को प्राइम नंबर किनको कहोगे, अब ऐसे नंबर जिनके फैक्टर के अंदर कुछ कॉमन नहीं है, इसके लिए को पेयर आएगा, नंबर का जोड़ा आएगा। कैसे को प्राइम क्या होगा, मान लो मैंने कोई दो नंबर दे दिए 5 और 7, अब बताओ इनके अंदर कोई कॉमन है क्या, कि ऐसी कॉमन संख्या जिसका इन दोनों पे डिवाइड करता हो, वन को काउंट नहीं करना, वन को काउंट नहीं करना, बताओ वन के अलावा कोई और नंबर है क्या ऐसा जिसका दोनों पे डिवाइड करता हो, मतलब दोनों का कोई कॉमन फैक्टर है क्या, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ऐसे नंबर क्या कहलाएंगे, को प्राइम नंबर, जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, वन होता है, वन के अलावा कोई भी उनका कॉमन फैक्टर नहीं होता, यानी एक ऐसी कोई संख्या नहीं होगी जिसका दोनों पे भाग जाता हो, ये क्या हो गया आपके को प्राइम नंबर। उसके बाद देखो अगला आता है ट्विन प्राइम, अब देखो ट्विन प्राइम यानी एक ऐसा पेयर जिनके बीच का डिफरेंस दो हो, लेकिन दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, प्राइम नंबर, कोई दो प्राइम नंबर जिनके बीच का डिफरेंस कितना हो, दो हो, जैसे 3 और 5 डिफरेंस दो है, दोनों प्राइम नंबर है, 5 और 7 दोनों प्राइम नंबर है, डिफरेंस दो है, जैसे 11 और 13 डिफरेंस दो है, 17 और 19 ऐसे प्राइम नंबर का पेयर जिनका डिफरेंस हमेशा कितना रहे, दो रहे, वो क्या होते हैं, ट्विन प्राइम में होती है। उसके बाद आता है प्राइम ट्रिपलेट, प्राइम में ट्रिपलेट, अब प्राइम ट्रिपलेट में क्या होगा, वही बात, अब ट्विन प्राइम में थी दो संख्याएं जिनके बीच का डिफरेंस है दो, अब ट्रिपलेट में कितने आ जाएंगे, तीन, तीन संख्याएं जो दो दो के डिफरेंस पे है, जैसे 3, 5 और 7 अब ये ट्रिपलेट बन गया, तीनों का जोड़ा बन गया, और इसमें देखो दो दो का डिफरेंस है दोनों में, ऐसे कोई और पेयर ले लो, और पेयर कोई एग्जाम्पल बताओ, जैसे
29, 31, 33 प्राइम नंबर दी होगा। और कुछ है जैसे 83 और 85, 87, 85 है। यानी तीन पेयर ऐसे होने, तीन नंबर ऐसे होने चाहिए जिनमें कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, क्या आप दो का डिफरेंस देखने को मिले। एक चीज याद रखना, सिर्फ एक ही प्राइम ट्रिपलेट एग्जिस्ट करता है। मैंने आपको एग्जांपल करके दिखा दिया, ऐसे कोई भी ऐसा ट्रिपलेट नहीं मिलेगा जिसमें दो दो का डिफरेंस हो, सिर्फ एक ही होता है प्राइम ट्रिपलेट, कौन सा, 3, 5, 4, 7। उसके बाद एक लास्ट बच गया परफेक्ट नंबर। अब परफेक्ट नंबर क्या होता है, एक ऐसा नंबर जिसके फैक्टर आप डबल कर सकते हो। फैक्टर क्या कर सकते हो, डबल कर सकते हो। जैसे मैं कहूँ 6, 6 के फैक्टर निकालूं, 1, 2, 3 और 2 क्या हो गया 6। तो एक ऐसा नंबर जिसके फैक्टर अगर आप जोड़ दो, खुद को छोड़ के अगर उसके फैक्टर जोड़ दो तो वापिस वही नंबर आता है, 3, 2, 5 और 1 है 6। ऐसा नंबर क्या कहलाएगा, परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर मीन्स ए नंबर हूज फैक्टर्स सम इज इक्वल टू दैट नंबर, उस नंबर के क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, अब जैसे मान लो 12 का क्या होता है, 1, 2, 3 और 6 एंड कर दो, 6 और 3 9, 9 2 11 और 1 12, अब इस 12 आ गया ना। ऐसे नंबर क्या कहलाएंगे, परफेक्ट नंबर। आज हमने क्लासिफिकेशन देख लिए अलग अलग टाइप के, ये क्लासिफिकेशन आपको याद रखने और इनको आपको नंबर सिस्टम में काम में लेना है। थैंक यू।